सोलन में ईसाई धर्म के प्रचारकों ने चंबाघाट क्षेत्र में धार्मिक पोस्टर लगाए। ये बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और कहा कि क्रिश्चियन मिशनरी सोलन में लगातार काम कर रही है और वह हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का काम कर रही है। सोलन में ईसाई धर्म के प्रचारकों ने चंबाघाट क्षेत्र में धार्मिक पोस्टर लगाए। ये बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और कहा कि क्रिश्चियन मिशनरी सोलन में लगातार काम कर रही है और वे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का काम कर रही है। वे उनकी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और गलत ढंग से उन्हें क्रिश्चियन बनाने में लगे हैं। इसके चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल के अध्यक्ष मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल SDM सोलन विवेक चंदेल से मिला और शहर के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन के चंबाघाट में विशेष समुदाय द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं जो कि बेहद गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोलन शहर में बाहरी राज्यों के लोग बिना किसी पहचान पत्र के रह रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने कार्यकारी उपायुक्त विवेक चंदेल को ज्ञापन सौंपा है ताकि अवैध रूप से सोलन में रह रहे लोगों पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। 3 से 4 दिन पूर्व सोलन में चंबाहाट के करीब कुछ समुदाय विशेष द्वारा कुछ आपत्तिजनक, कुछ उनके धर्म के कुछ अराजकता फैलाने वाले कुछ स्लोगन चिपकाए गए थे, तो उसके बारे में उसकी तस्वीरें और उसके बारे में शिकायत दर्ज हमने आज उपायुक्त महोदय को करवाई है। उसके साथ साथ हमने एक और विषय पर बात की है। सोलन में आज तकरीबन लगातार जो है सोलन में बाहरी राज्यों से आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और कुछ जो हमारे सोलन के कुछ कई जो है पैसों के ज़्यादा पैसे किराए के लालच में उन लोगों को, कुछ लोगों को दुकानें मिल रही है, कुछ लोग और कई लोग जो है अवैध तरीके से सोलन में जो है वो रह रहे हैं। तो हमने उपायुक्त के माध्यम से एक शिकायत दर्ज की है कि जितने भी जो भी व्यक्ति सोलन में आता है उनकी कड़ी से कड़ी, मतलब कि उसके कड़ी की कड़ी जांच होनी चाहिए, उनकी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बिना वेरीफाइड किसी भी आदमी को सोलन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सरेआम जो है हमारे हिमाचल के और सोलन के खासकर लोगों के साथ धोखा हो रहा है। जिस तरीके से लोग बाहर से आते रहेंगे और हमारे जो हिमाचल के और सोलन के लोग हैं उनका रोजगार मरता रहेगा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।